हेलो टॉपर्स, वेल आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.4। हेडिंग आप लोग लगा लो, लगा भी लिया, वेरी गुड। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, अगल बगल से साउंड भी आएगा, सिर्फ मेरी साउंड आपको सुननी है। बगल में पे 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 करते जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लाइफ में हमेशा डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्ट्रक्शन पे नहीं, गोल पे फोकस होना चाहिए आपका। और आपका गोल पता है क्या है? सीबीएसई में टॉप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पेपर पेन लेकर के रेडी हो जाइए, हेडिंग लगा लीजिए एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। और मजे की बात बता रहा हूं, पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूं और उस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद मैं कुछ ग्राफ से आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक एप्पल है, मैं बोलूंगा देखो ये एप्पल मीठा लगता है खाने में, और बाद में आपको खिलाऊंगा भी कि देखो कैसा है ये चीज, ठीक है। तो पहले देख लो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उसके बाद ग्राफिकल अप्रोच में दूंगा आपको कि ग्राफ में कैसा दिखता है। यकीन नहीं है, मैं झलक दिखाता हूं। ये देखिए, ऐसा कुछ हम लोग नहीं दिख रहा है ना। हाँ लो, मैं एक्सपेंड कर देता हूं। इस तरह का ग्राफ कुछ फुलझड़ी टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसका मेंटल पिक्चर आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले रुक जाओ, लालची ना बनो, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका। देखो, ये जो आपने हेडिंग देखा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, ध्यान से देख लीजिएगा जो बातें बता रहा हूं मैं। e का पावर x, y इक्वल टू e का पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था exe होता है, ठीक है। exe होता है, क्यों होता है इसका कंसेप्ट अभी हम लोग जानेंगे, जो बताया ना कि मैं ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप क्या करो, ex का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ex ही आएगा, ठीक है। ये एक फर्स्ट फॉर्मूला रिमेंबर रखना। एक और फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा है, अगर a का पावर x हुआ, अब e का होना अलग बात है, a का होना अलग बात है, ठीक है। a का पावर x, इसका मतलब a का पावर x log e बेस है, ठीक है। a का पावर x log e बेस a मैंने लिखा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो a है ना, कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 10 11 12 कुछ भी हो सकता है ये चीजें, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि e का मतलब क्या हो गया ना, आप सीरीज देखोगे आगे जाकर, 1 + 1/1 1/2 1/3 प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी तक ये चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ ई 1 + 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 इंफिनिटी। गॉट क्लियर? ओके, अब इसी में क्या करते हैं ना, ई का पावर हम लोग एक्स लगा देते हैं। तो जहां जहां वन था, आप समझो ई का पावर वन था, इन द प्लेस ऑफ वन यू विल पुट हियर एक्स। गॉट क्लियर? तो आई विल पुट हियर एक्स, और एक्स बाई 1/1 और एक्स बाई इट इज 2 एक्स बाई इट इज 3 प्लस डॉट 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 एंड इट इज इंफिनिटी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये हमारा इंफिनिटी में चला जाएगा, ये भी एक सीरीज मिलता है, क्लियर? ये सीरीज मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, इसका नाम है नेचुरल एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सीरीज देख लो, ये जो e के टर्म में आ रहा है ना, इसी को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, देख लेना बढ़िया से, दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी को अगर डिफरेंशिएट करोगे ना, जैसे e का पावर x, e पावर x ही आता है,
तो इधर भी डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखना फिर से यही फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो आराम से हम लोग वहां पे देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी आपको जानना है ये वाला जानना है, e का पावर x क्या होता है, और e का वैल्यू जो होता है 2 से 3 के बीच में होता है। हमेशा रिमेंबर रखिएगा, इस e का वैल्यू जो होता है 2 से 3 के बीच में होता है, जैसे 2.33 के आसपास हो सकता है, लेकिन इसी के बीच में ये वैल्यू होती है। बात समझ में आई? जब e रहेगा तो हमेशा इस डिफरेंशिएशन का यूज करोगे, लेकिन e के अलावा कुछ भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी अगर ऐसा रहा तो हम लोग a का पावर x का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई बोल दिया 2 का पावर x, तो ये इस फॉर्मूला पे नहीं जाएगा, ये जो क्वेश्चन ब्रेक होगा ना ये इस फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, मतलब a का पावर x पर जाकर के ब्रेक होगा जी, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 का पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहां a का पावर x सेम लिख देंगे ना, तो मैं लिखूंगा 2 का पावर x लिख दिया, log e बेस लिख दिया, ठीक है। और यहां मैंने लिखा a का मतलब नीचे वाला हो जाएगा 2 हो गया, तो यही इसका आंसर है, 2 का पावर x log e बेस 2 वी आर गेटिंग, ठीक है। तो आगे जाकर धीरे धीरे हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, ग्राफ के बेसिस पे भी मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां पहले फोकस कीजिए, देखिए मेरे करण अर्जुन, आपको कहां फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन e टू डी पावर x एंड a टू डी पावर x, गॉट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन मोर फॉर्मूला यू हैव टू फोकस, थर्ड नंबर, d बाई डी एक्स log e बेस x, इसकी फॉर्मूला होता है 1/x हो गया, ठीक है 1/x। देखो यहां भी बेस e आ रहा है, क्लियर, बेस e होता है, और 4 में अगर हुआ dy/dx log a बेस अगर x हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं 1/x log e बेस a, ठीक है। यहां पर a बेस, यहां पर e बेस, इस दो फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस समझिएगा, और इसका ग्राफ से मैं समझाऊंगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब उल्टा, अगर उल्टा होगा तो ग्राफ भी इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे चीजें अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन बनाना, इसी चार फॉर्मूला पे अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 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 रुक जाओ, उससे पहले कुछ और बेसिक बातें हम लोग थोड़ा सीख लें, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बेसिक बात फॉर्मूला लॉग पर, जैसे a का पावर x इक्वल टू n होता है, ठीक है, इसे मुझे लॉग में कन्वर्ट करनी है जी, अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो क्या प्रोसेस होगा, पावर नीचे उतरेगा x, ठीक है, लॉग लिखूंगा, नीचे बेस a होगा और यहां लिखेंगे n कर दिया, नहीं समझे, हाँ देखो कैसे समझोगे आप, ये पावर है, ये पावर को नीचे उतार दिया, एक्स हो गया ना, लॉग रखो, और जो बेस है ना, बेस हमेशा बेस में ही रहेगा, ए में ही रहेगा, और बगल में आपका एन दिखेगा, ठीक है जी, एन हो गया। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर आप हमें एग्जांपल से समझाओ, हम लोग कलुआ हैं, 3 का पावर 2 = 9 होता है, तो देखो कलुआ लोग ध्यान से देखो कैसे हम लोग इसको करेंगे, 3 का पावर 2 = 9 होता है ना, तो 2 को मैंने उतार दिया पावर, लॉग हो गया, नीचे बेस 3 होगा और ये 9 होगा। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये जो पावर है स्क्वायर में है ना, ये स्क्वायर को नीचे उतारा, लॉग लिखा, बेस 3 लिखा और 9 मैंने कर दिया, ऐसे लिखा मैंने, ये देखिए। अगर बोलोगे सर 5 का स्क्वायर रहता तो क्या करते, 25 होता, तो सबसे पहले पावर 2 लिखो, लॉग लिखना, उसके बाद 5 और फिर मैंने 25 लिख दिया, देखो जी ये स्क्वायर था, नीचे 2 आया, लॉग हुआ, नीचे बेस 5 और 25 मैंने लिख दिया, मैंने बोला ये भी ठीक है। एक चीज और देख लो, अगर स्क्वायर रूट यहाँ पर 25 होता तो आंसर क्या होता, 5 होता ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। अच्छा मैं 25 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, 25 का पावर 1/2,
इक्वल टू 5 हो गया, ये भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं पावर लिखूंगा और पावर इक्वल टू 1/2 लॉग नीचे 25 और ये हो गया 5, ठीक है, 1/2 लॉग 25 एंड वी आर गेटिंग एज अ 5। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, क्लियर, 1/2 लॉग 25 एंड वी आर गेटिंग एज अ 5 ओनली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए कुछ फॉर्मूला पे दिमाग हम लोग लगा दें। और वो फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसा मिले log a बेस m इंटू एन, ठीक है, तो log दोनों पे जाएगा, बोलो दोनों पे जाएगा, m पे भी जाएगा, n पे भी जाएगा, ठीक है, लेकिन log m log a n, मान लो ये मम्मी है, ये दो बेटा है करण अर्जुन, चॉकलेट लाई है मम्मी, चॉकलेट दोनों को देगी, log दोनों पे जाएगा, लेकिन मम्मी कंडीशन लगाई दी, दोनों को तभी देंगे जब दोनों बैठ के पढ़ाई करेगा, एक चैप्टर फिनिश करके दिखाएगा, तो इसलिए बीच में प्लस हो गया, मल्टीप्लाई विल बी कन्वर्ट इनटू प्लस, ठीक है। सेकंड नंबर, log a बेस इट इज m by n, तो आई कैन राइट log a बेस m माइनस log a बेस n मैंने रखा, ठीक है। अगर डिवाइड के फॉर्मेट में हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, वहां पे माइनस कर सकता हूं, ठीक है, इट इज माइनस हो गया, लॉग ए बेस एम माइनस लॉग ए बेस एन। थर्ड में देख लो, अगर ऐसा मिल जाए लॉग ए बेस एम का पावर एन, अगर एम का पावर एन हो गया तो इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, हाँ पहले लेकर के आ जाएंगे, तो मैं लिखूंगा एन लॉग ए बेस एम लिखा, ठीक है, log a बेस m लिख दिया मैंने, ये भी एक चीज हो सकता है। फोर नंबर में देख लीजिए, log a बेस a, यहां भी a सेम सेम, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log a बेस 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0, ठीक है। और सिक्स में लिख लीजिएगा, log a बेस अगर 0 हुआ तो यहां हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड आप लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है एकदम मस्ती भरा, इसका अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 6 तक एक और फॉर्मूला देख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। 7 नंबर, लॉग लिख लेना, ये ए बेस बी है, मुझे बेस चेंज करना है, log a बेस b का मुझे बेस चेंज करना है, तो कैसे बेस चेंज करेंगे हम लोग, मान लो यहाँ 10 बेस करना है, तो क्या करो ना, अभी बेस कुछ भी, यहाँ तो बेस a है, मुझे बेस कुछ और रखना है, सुनो ध्यान से सुनना, यहाँ b log a रखा मैंने, ठीक है, अब आप क्या कर दो, बेस कुछ भी लगा दो, कोई कहता 10 बेस तो आप लगा दो 10 बेस, वाह कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया ऐसा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो कैसे फॉर्मूला रिमेंबर रहेगा, अगर कोई कह दे log x और y है, मुझे इसका बेस जो है ना 10 रखना है, 10, मैं लिखूंगा log y कर दू by, ये हो गया log x मैंने किया, ठीक है, x किया मैंने, तो क्या करेंगे, यहां भी 10 बेस रख दो और यहां 10 बेस कर दो। सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, एक और देते हैं सुन लो, नहीं सर छोड़ दो ना, समझ में आ गया, नहीं नहीं देख लो, log 2 बेस 3 है, मुझे बेस 5 रखना है, तो log 3 log 2 कर दो और 5 रखना है, लो जी 5 और 5 कर दिया मैंने, हो गया ना। तो इस फॉर्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, नाम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख दीजिएगा, बेस चेंज फॉर्मूला, ये हो गया बेस चेंज फॉर्मूला, क्लियर। वेल एक और देखते हैं, 8 नंबर, log a का पावर k और यहां लिखा b, इसे हम लोग कहते हैं सैंडविच फॉर्मूला, मतलब क्या है ना कि नीचे में a का पावर k दिया हुआ है, मतलब
देखो मैं समझा देता हूँ सिंपल मोटा मोटी में। दो ब्रेड है, उसके बीच में आलू ठूसा हुआ है, ब्रेड को कसकर दबाओ तो आलू टपाक से गिरेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये होगा 1/k log a बेस b रखा है। देखो यही वो आलू है, a और b है ना, इसके बीच में यही सैंडविच है, इसको निकालो 1/k तो बन जाएगा 1/k log a बेस b, ठीक है। वी आर गेटिंग a का पावर k भी, इसी को सैंडविच भी कह सकते हो या बेस पावर फॉर्मूला भी हम लोग कहते हैं, बेस पावर फॉर्मूला। ये तो मैथ्स के स्टाइल में हो गया, धर्मवीर सर के स्टाइल में मैंने इसका नाम दे दिया है सैंडविच फॉर्मूला। अब समझ में आया सर ने क्यों नाम दिया है सैंडविच, क्योंकि दो ब्रेड के बीच में आलू प्रेस टपकेगा, ठीक है। तो देखो जी 9 नंबर एक और देख लेते हैं हम लोग, a का पावर k b 1/k log a बेस बेस, तो बेस पावर फॉर्मूला हो गया, दिस इज कॉल्ड सैंडविच फॉर्मूला। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ओके ओके ओके। और सर आप 9 नंबर लिखें, और भी पढ़ाना है, जी हाँ एक फॉर्मूला और भी मैं पढ़ा देता हूँ, log a बेस b उल्टा खाली कर दो b बेस a, ठीक है। अगर आपस में ही इंटर चेंज करना है तो क्या करोगे, 1/log a बेस b लिखना है, ठीक है, log b बेस a, मतलब ये उल्टा हो गया, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। लो लिख देता हूं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर ऐसी बात है रेसिप्रोकल फॉर्मूला है तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सर मजा आ गया, यहां तक तो फॉर्मूला बहुत बोरिंग तरीके से रिमेंबर करवा दिए हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें, फर्स्ट देखो पहले कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन में ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज 29 दिया हुआ है, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नहीं है, मैं इजी लिख देता हूं ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल का क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू e का पावर माइनस x दी हुई। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करनी है, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत सिंपल। पहले ये तो पता होना चाहिए कि y इक्वल टू e का पावर x रहता है ना, तो सेम हो जाता है e का पावर x ही होता है। लेकिन 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 यह जो क्वेश्चन है चेन रूल पर बेस्ड, गॉट क्लियर, सो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ चेन रूल, एंड चेन रूल इज व्हाट, फर्स्ट आई विल डिफ्रेंशिएट dy by dx, तो e का पावर माइनस एक्स का e का पावर x होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन है जी, एक e फंक्शन है और एक ऊपर जो है ना माइनस एक्स फंक्शन है, तो माइनस एक्स को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये रहा माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का किया ना तो ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब तो होगा क्या, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, मैंने यहां पर लिख दिया, यही मेरा डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर चलो थोड़ा कलर चेंज कर ले, सेकेंड नंबर वाई इक्वल टू, द क्वेश्चन इज साइन लॉग एक्स, ठीक है, साइन लॉग एक्स। और एक बात आपको ध्यान देना है, जब यहां पर नीचे कुछ नहीं है ना तो बाय डिफॉल्ट आपको ई समझना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना रहे कैलकुलस में लॉग के नीचे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन एज अ ई बेस्ड, ठीक है, ई बेस्ड हम इसे समझेंगे। तो आओ थोड़ा सीख ले क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का साइन का होगा कॉस और मैंने लिखा log x कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने फंक्शन हैं तो आप बोलोगे दो फंक्शन हैं, मैंने बोला पिटाओगे तुम लोग, तो आपने बोला ना 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 रुको सर ध्यान से मुझे देखने दो, तब आपने देखा सर यहां तो तीन तीन फंक्शन है, मैंने बोला वेरी गुड, साइन एक फंक्शन हो गया उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके अंदर log हो गया उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और log के अंदर x है उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का कॉस लॉग एक्स हो गया,
और log x का किया तो 1 बाई एक्स हो गया, ये भी लिख सकते हैं, और फिर अंदर में x का अगर किए ना तो 1 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन cos log x, log x का 1 बाई एक्स और x का किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज कॉस, इट इज लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यही हमारा आंसर है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स हो रहा है, ठीक है, मैं सही हूं ना? ठीक है, एक बार क्रॉस चेक आप लोग भी कर लेना। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो, ये हो गया कॉस इनवर्स e का पावर x। अब बोलोगे सर इसका जरा मुझे बताओ, तो देखो बहुत ही सिंपल, y इक्वल टू हमारे पास अगर कॉस इनवर्स x होता है तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद नहीं है सर? नॉटी बॉय, ध्यान से सुनो, माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कितना फंक्शन है, तो बोलोगे सर इसमें भी थ्री फंक्शंस, एक कॉस इनवर्स, एक ई का पावर एक्स और एक एक्स हमारे पास हो गया। तो मैंने क्या किया ना, डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस ई का पावर एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, और उसके बाद ई, क्योंकि ये एक्स का काम कर रहा है, और यहाँ पर देखो एक्स है, तो मैंने क्या लिखा, e का पावर x का होल स्क्वायर, उसके बाद ex का करेंगे, ex का ex आ जाएगा, फिर मैं x का करूंगा तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो डायरेक्ट ex भी लिख सकते हैं, गुड। तो दिस इज dy वाई बाई डी एक्स ई का पावर x बाई अंडर रूट 1 माइनस ई का पावर 2x हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन थोड़ा देखो, फोर नंबर एक और क्वेश्चन देख लो जी, y इक्वल टू e का पावर जो है ना, इट इज साइन एक्स गिवन। तो जब साइन एक्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और e का पावर साइन एक्स है, तो e का पावर साइन एक्स ही होगा, और इंटू, फिर मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। आप चाहो तो एक्स का भी कर सकते हो, लेकिन एक्स का तो वन होगा, ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, वी आर हैविंग कॉस एक्स, ई का पावर इट इज साइन एक्स हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, ई का पावर साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर फोर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस कर लेते हैं, एक्सरसाइज ये रहा हमारा 5.4। तो इस 5.4 पे वाओ, हम लोग तो एक्सरसाइज में आ गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन, इसका एक एक क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, आपको भी काफी मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन तो कह दिया है जी, ई का पावर एक्स और बाई साइन एक्स, ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताओ। चलो ये क्वेश्चन मैं कलुआ से पूछता हूँ, ये कलुआ से पूछता हूँ मैं, बताओ ये क्या होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग दो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे, देखो आप इसे एज्यूम कर लो, दिस इज यू एंड इट इज बी, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट थिंग, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन टू, डी वाई बाई डी एक्स वी विल डू व्हाट, इट इज साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यू नो डिनोमिनेटर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया। उसके बाद ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, बताया था ना पहले भगवान की पूजा करते हैं, ऊपर वाला
ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमने लिखा साइन एक्स इंटू ई एक्स का किया ई एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन, फिर ई एक्स बाहर निकला और साइन एक्स का मैंने किया कॉस एक्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, बाहर निकल गया ई एक्स, साइन एक्स हो जाएगा माइनस इट विल बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई इट इज साइन एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो पूरे का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑल राइट, अब आप क्या करोगे, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा, इतना आप आंसर छोड़ सकते हो, और देख लो कुछ मॉडिफाई अगर करने कहता तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, यही आंसर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर एक और हम लोग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है, आप लोग आराम से बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मुझे अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो dy वाई बाई डी एक्स ई का पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x इंटू, और फिर साइन इनवर्स x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो e का पावर ये हो गया साइन इनवर्स x और बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर, यही हमारा dy बाई डी एक्स। देख लो कोई दिक्कत होगा तो बता देना, और कोई बोलेगा मुंह लटका के बैठा हुआ है सर वन का आप नहीं बताएं, वन का वन होगा, सॉरी x का वन होगा, ठीक है, यहाँ पर x है ना तो उसका वन होना है। एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 3, ये है y इक्वल टू e का पावर x का पावर 3। हाँ देखो जी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पूरे को ना x मान लो, एक फंक्शन मान लो, तो आप बोलोगे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें सर, तो e का पावर जो पावर है पहले उसको ले लेते हैं, ये लो dy by dx e का पावर x का पावर 3 इंटू, और फिर x का पावर हम लोग 3 कर लेते हैं, तो x का पावर 3 कितना 3x स्क्वायर हो गया आपका, तो वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर e का पावर x का पावर 3 हमने लिखा, और यही है हमारा dy by dx, दिस इज द dy by dx, यही हमारा आंसर आएगा, है ना कूल आंसर। हाँ एक और देखो, 4 में y इक्वल टू साइन, और यहाँ जो है दिस इज टेन इनवर्स e का पावर x कह रहा है, इसे भी एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर आ सकता है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करना, ट्राई करके देखो क्या होगा, कितने फंक्शन हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो आप बोलोगे ये हो गया dy बाई डी एक्स साइन, एक तो साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन के अंदर ये होगा एंगल, और उसके बाद फिर टेन इनवर्स फंक्शन है दूसरा, उसके बाद ई एक्स होगा, ठीक है। तो साइन का हम लोग क्या कर लेंगे, इट विल कॉस एंड वी आर हैविंग टेन इनवर्स ई का पावर एक्स हो गया, ठीक है, टेन इनवर्स ई का पावर एक्स, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, ई एक्स, ई एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, अब इंटू फिर से अब कौन सा बचा, सोचो सोचो, उसके बाद बच रहा है ई एक्स, तो ई एक्स का होगा 1, ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, और फिर x का अगर करोगे ना तो ये तो 1 आ जाएगा आपका, बस यही आपका आंसर आएगा, पहले साइन का तो कॉस टेन इनवर्स ई एक्स हो गया, फिर टेन इनवर्स ई एक्स का 1 बाई 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, और ई एक्स का ई एक्स यहाँ पे 1 लिखा मैंने, तो इधर हो जाएगा ई एक्स, वी आर गेटिंग कॉस, ये मैं लिखूंगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर 2x, और यही इसका आंसर है dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स हो गया। तो पूरा मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, गॉट क्लियर, एक बार चेक कर लो आप लोग भी, देख लो बढ़िया से कि क्या आंसर वही आने वाला है या कुछ 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 अलग है।
तो उम्मीद करता हूं कि उतना ही आएगा आंसर जो अभी आपको बताया गया है। वेल, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर था ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, आप लोग भी एक बार चेक कीजिए। ओहो हो, एक छोटा सा एरर है, और ये छोटा सा एरर में क्या है, देखो यहाँ e का पावर -x था। अच्छा मान लो -x रहता तो पता क्या क्या करना पड़ता, थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। देखो तो ये -x होता तो ये भी -x होता, ये होता यहाँ पर -x हो जाता, ठीक है, ये भी -x होता और यहाँ पर -1 आ जाता, ठीक है, -1 आ जाता। तो अब क्या हो जाता देख लो, हालांकि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था, जो पहले वाला वो भी क्वेश्चन बन सकता है, और माइनस लग गया तो भी एक क्वेश्चन बन गया, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो जी, या ये तो माइनस हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंदर में जाएगा -2x हो गया, और वो माइनस बन जाएगा, ये तो माइनस e का पावर -x cos tan इनवर्स e का पावर -x बाई 1 प्लस e का पावर -2x। अब इसका आंसर एक बार चेक करके आप लोग देख लीजिए क्या सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये कह रहा है y इक्वल टू log, और यहां पर है cos, वी आर हैविंग ex, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा dy/dx। जैसे यहाँ भी देख लेते हैं कितने फंक्शंस हैं, आप लोग मुझे बताइए, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, log cos e का पावर x, तो यहाँ भी टोटल फंक्शन वी आर हैविंग एक log, एक cos, एक e का पावर x, और उसमें एक x हो गया, ठीक है, बताओ log का होता है 1/x, ये पूरा का पूरा x, cos e का पावर x, और cos का होगा -sin e का पावर x, ठीक है, cos थीटा -sin थीटा, तो थीटा का काम तो ये कर रहा है, ये मतलब e का पावर x, और फिर e का पावर x का e का पावर x होगा, तो कितना बन गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो माइनस e का पावर x और sin थीटा बाई cos थीटा, इससे लिखा जा सकता है tan e का पावर x, तो दिस विल बी dy/dx, ठीक है, यही हमारा dy/dx हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर। एक और देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन, देखो जी इस बार क्वेश्चन में क्या है ना, e का पावर x है प्लस e का पावर x का स्क्वायर है प्लस डॉट 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 प्लस e का पावर x का पावर यहाँ पर 5 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल, इसको डिफ्रेंशिएट करो। आप देखो कि यहाँ पर हम लोग चेन रूल भी लगाते चलेंगे, इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखो कैसे कैसे बनेंगे। चलो मैंने कलुआ से पूछा, कलुआ क्या जवाब देता है, उसने बोला पहले e का पावर x को डिफ्रेंशिएट करो, तो मैंने कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, e x का स्क्वायर को करो, तो e x का होल स्क्वायर मैंने किया इनटू, ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा आपका, दो फंक्शन है ना, e तो खुद एक फंक्शन हो गया, x का स्क्वायर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए तो 2x हो गया प्लस डॉट 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 प्लस, इसका सॉल्व करते हैं तो e x का पावर 5 और 5x का पावर 4 मैंने लिखा, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, e का पावर x ये हो जाएगा 2x e x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5x का पावर 4 e x का पावर 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, ठीक है, यही हमारा dy/dx। तो आराम से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा क्या आंसर सही है, एक बार मिला लेते हैं, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा आप लोग भी चेक करके हमें बताते जाइए क्या आंसर बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। हालांकि बीच वाला स्टेप मैं नहीं लिखा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैंने e का पावर x, ठीक है,
टू एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हालांकि टोटल मिला के 5 टर्म्स होंगे, तो सबको उसी तरह डिफ्रेंशिएट करना है, आप लोग बीच वाला 2 टर्म कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर देखो, वाई इक्वल टू अंडर रूट ई, और उसके बाद रूट एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर रूट ई और फिर ई का पावर मैंने लिखा यहाँ पर रूट एक्स मैंने कर दिया। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, दो दो फंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक अंदर में दिख रहा है, एक रूट एक्स वाला फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार है। पहले रूट को करेंगे, पहला रूट, फिर उसके अंदर ई को करेंगे, ई के बाद फिर एक रूट आएगा और रूट के अंदर एक्स आएगा, ठीक है जी। चार चार है, मज़ा आएगा, देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू अंडर रूट, एक्स का काम कौन कर रहा है, अंदर वाला, ई का पावर रूट एक्स, ठीक है, ई का पावर रूट एक्स होगी। उसके बाद ई का पावर रूट एक्स का, ई का पावर रूट एक्स किया, इनटू मैंने कर दिया, फिर रूट एक्स का कितना करेंगे, वन बाई टू रूट एक्स होगी, वन बाई टू रूट एक्स मैंने लिख दिया, ये होगा ना, ई का पावर रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स होगी, यही आ जाएगा आंसर। ई रूट एक्स हो गया, टू टू फोर हो गया, अंडर रूट ई रूट एक्स हो गया, ये हो गया ना फोर, अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स इंटू, और उसे जरा सॉल्व कर लो, तो ये हो गया रूट एक्स, थोड़ा सा देख लो जी, ई रूट एक्स हो गया, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, अंडर रूट ई ई का पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, बस एक बार आंसर मिला लेते हैं, देख लेते हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिए क्या बिल्कुल आंसर उतना ही है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, है हाँ सही है। खाली इसमें क्या गया है, ये भी रूट में है, ये भी रूट है, दो रूट क्यों रखे जी, ऐसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कम में मैनेज करना है, तो दो की जगह हम लोग एक ही रूट रखेंगे, तो क्या होगा, फोर अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स और ये होगा एक्स, बस यही इसका आंसर। उसके बाद 8 नंबर आइए, ये हो गया लॉग, ये हो गया लॉग एक्स, ठीक है, लॉग लॉग एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई लॉग एक्स हो जाएगा, पहला लॉग को किया तो 1 बाई लॉग एक्स, फिर दूसरा लॉग को करेंगे तो इसका 1 बाई एक्स और एक्स का किया तो 1 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इट इज लॉग एक्स हो गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स लॉग एक्स मैंने लिखा, क्लियर है, ये इसका आंसर आएगा। 8 नंबर का ये हो गया, उसके बाद 9 नंबर आ जाओ जी, 9 नंबर कैसे हम लोग करेंगे, ये हो गया कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, आप देख लो कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो कॉस एक्स बाई लॉग एक्स क्या है ना, आप तो खुद बताओ, आप लोग तो खुद अच्छे हो, ये है यू और वी, क्लियर, यू और वी, ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से और टॉपर बनने का जो आपने सपना देखा है ना, वो अगर आपने अचीव कर लिया तो सोचो आप क्या क्या सपने पूरे करोगे। अपने सपने के बारे में जरूर सोचते रहना, जो भी आपका ड्रीम है वर्ल्ड टूर करने का, और अभी तो कोरोना के कारण सब इतना सहमा हुआ है कि भाई कभी भी अगर मौका मिले ना, कुछ भी अगर थोड़ा सा यू नो रिलैक्स अगर मिले तो लोग घूमने फिरने पे जरूर पैसा खर्च करेंगे। तो आप लोग भी सोचिएगा कि अगर टॉपर बन गए, कभी भी लाइफ में एक मौका मिलता तो कौन से जगह जाओ, ठीक है। मैं इसलिए ड्रीम आपको देता हूँ ताकि एक मोटिवेशन मिले, एक हिम्मत मिले आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, नीचे log x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने लिखा log x, ऊपर वाला का क्या होगा, माइनस साइन x माइनस cos x, और cos x को log x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ना तो 1 बाई एक्स आ जाएगा,
ठीक है, 1/x हो गया। एक मिनट देख लो बढ़िया से, कहीं गर्मी के कारण मतलब गलती ना हो जाए मेरे से। लॉग एक्स था, कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, माइनस हो गया, कॉस एक्स हो गया, लॉग एक्स का क्या 1/x हो गया। इसको बाहर निकालो, माइनस साइन एक्स ये हो गया लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, देखो कहीं कहीं यहाँ पर भी छोड़ा जाता है, कहीं कहीं मॉडिफाई करके पूरा आंसर भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा ना कि आप एलसीएम ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, आप लिख लो एक्स, यहाँ लिखना माइनस एक्स साइन एक्स और इट विल बी लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, एलसीएम एक्स और वन का लिया, एक्स हो गया और नीचे तो लॉग एक्स है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो यही हमारा आंसर है, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो नेगेटिव बाहर निकाल दो और सब पॉजिटिव में चला जाएगा आपका, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स मैंने यहाँ पर लिखा बाई, ये होगा एक्स लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर और यही इसका आंसर है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ये पूरा आंसर होगा। नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जी, ये हो गया कॉस लॉग एक्स और मैंने लिखा ई एक्स। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, हर क्वेश्चन में एक निशान दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व होगा तो मम्मी पापा के कौन से सपने पूरे करेंगे ये आपको दिखाना है। क्लियर, चलिए जी। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का कितना होगा माइनस साइन और पूरा अंदर वाला को लिख दो सेम, ये हो गया लॉग एक्स और ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस का लिखा माइनस साइन और अंदर का एंगल है लिखा लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू, फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स का 1/x करेंगे और ई एक्स का ई एक्स मैंने कर दिया, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। माइनस साइन अंदर में एंगल लॉग एक्स प्लस ई एक्स, अंदर वाला लिखो लॉग एक्स का 1/x और ई एक्स का तो ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एलसीएम ले लो, साइन ये हो गया लॉग एक्स और मैंने लिखा ई एक्स और यहाँ पर एलसीएम लोगे ना तो 1 प्लस ई एक्स इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई मैंने लिख दिया एक्स, तो नीचे एक्स लिख। ठीक है, और ई एक्स सब में चला जाएगा, देखो बढ़िया से। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए, आप लोग भी एक बार कंफर्म हो जाओ। ठीक है, विथ नेगेटिव के साथ था आंसर, बुक में तो यहीं तक दिया हुआ है, ऊपर वाला ही सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो हमारा जो क्वेश्चन था ना यहीं तक है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, ध्यान से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और रही बात इसके ग्राफ की, तो मैं ग्राफ आपको बता देता हूँ जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था। देखो जी, ये ग्राफ क्या है ना, ये रहा ग्राफ, देख लो बढ़िया से, हाँ दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या है कि ये तो हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया गया, हालांकि इससे इसका मतलब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए क्यों बनाया गया वो बताया जा रहा है आपको, देखना। उसके बाद क्या किया जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन एक बना दिया गया y इक्वल टू x, और उसके बाद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया जा रहा है उसी तरह जब वैल्यू आप पुट करोगे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से टेबल आप बना लो, x और y, x का 0 y का 0, उसी तरह अगर x 1 तो ये 1, लेकिन ये 2 तो ये 4,
इस तरह से सब वैल्यू पुट किया गया है। तो पुट करने के बाद देखो जी, ये जो ग्राफ आपका आ रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन इस तरह से करके घूमता हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे पावर बढ़ता जा रहा है ना, ये स्टिप होता जा रहा है, ठीक है। और देखो मतलब एक तो ग्राफ हमारा इस तरह से तो बना ही है, ये देखते जाइए, एक इस तरह से ग्राफ हमारा बना, उसके बाद इस तरह से ग्राफ ये बनता जा रहा है और भी स्टिप होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे 1 2 3 10 बेस आएगा, तो इसका वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि एक्स का पावर जब जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई का पावर कितना होगा, मतलब वाई का वैल्यू वन हो जाएगा, तो यहाँ से गुजरेगा जीरो और वन, और ये इन्फिनिटी तक यहाँ पे चलता चला जाएगा, ऐसे करके जाएगा। लीजिए ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया। इसको कॉमन बेस भी हम लोग कहते हैं, 10 बेस होता तो कॉमन बेस होता है। उसके बाद देखो, अगर यही ग्राफ आप लॉग का बनाओगे ना, तो लॉग का जस्ट उल्टा होता चला जाएगा। यहाँ देखिए, जो वहाँ पे अभी जस्ट कंपेयर करके बताऊंगा मैं आपको कि इसका, जैसे इसका ग्राफ क्या था, ये जो ग्राफ था वैसे करके जा रहा था ना, ठीक है, ऊपर साइड, लेकिन इसका ग्राफ इस साइड देखो आते जा रहा है, उधर एक्स एक्सिस की तरफ उधर बढ़ा था, इधर क्या हो रहा, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं इसका ग्राफ आपको चेंज करके दिखाता हूँ कैसे ये बनेगा, दोनों के बीच में कंपेयर करके देख लो। ये रहा हमारा ग्राफ, एक e का पावर x, जैसे ये इस तरह से ग्राफ बना, 0 1 से टच करके जा रहा है, तो log e बेस x का ग्राफ 1 0 से टच करके जाएगा। ये इधर x की तरफ इन्फिनिटी जा रहा है, इधर y की तरफ इन्फिनिटी चला जाएगा, ये 0.1 होगा, ये 1.0 होगा, और ये जो है ना, जो एज अ मिरर टाइप का, इसको मिरर इमेज भी कह सकते हो, कि जितना एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथम फंक्शन है, ये सारे के सारे एक दूसरे का मिरर इमेज भी होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो मिरर है, इस साइड ऑब्जेक्ट है, ये इसका देखो मिरर इमेज बन रहा है, क्लियर। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट को टच किया जी, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, क्लियर। ये 0.1 से क्रॉस करके जा रहा है, ये 1.0 से क्रॉस कर रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, डिजिट भी इंटरचेंज हो जा रहा है, 0110 हो रहा है, उल्टा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यही इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपने 4 फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, कुछ लॉग के क्वेश्चंस रिमेंबर रखने हैं, और एक स्पेशली लॉगरिथम फंक्शन भी पूरा एक्सरसाइज आएगा। इस पे तो कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉग मिक्स करके था, अब जो क्वेश्चन बनेगा प्योरली लॉगरिथम फंक्शन डिफरेंशिएशन पे हम लोग काम करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।